इस, इस साल भी वो जो क्लब के लिए खेल रहे हैं उनका जो स्ट्राइकर थे पिछले वो मिड सीजन में क्लब को छोड़कर चले गए बाई साइटिंग मेनी रीजन सो एज अ रिजल्ट स्ट्राइकर की एक जरूरत नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी को बहुत टाइम से थी और हीरा मंडोल के हीराम...

ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल रिकॉर्ड है बॉल रन एक्सिलेंट उनका जो एक बात बोल रहा था अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस के तहत होगा क्योंकि he is currently playing for a FC अब मुझे जो और भी अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट एक्विजिशन की नॉर्थ ईस्ट ने एक ऐसे प्लेयर को लिया हुईज एक्चुअली पीक ऑफिस के जो इंडियन फुटबॉल में ज्यादा देखा नहीं जाता मोस्ट प्रॉब्लली प्लेयर्स हु कम इन इंडिया आर एक्चुअली ओल्ड बट कुल्बोम इज अ टाइप ऑफ प्लेयर हु इज वेरी इंटरेस्टिंग जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है ही हैज प्लेड इन अ लॉट ऑफ लीग वीटा क्लब में खेल चुके हैं एंड ही हैज प्लेड इन बेल्जियम ही हैज प्लेड फॉर ब्रिशकॉट इन बेल्जियम सेकंड डिविजन So, एक टॉप यूरोपियन कंट्री में खेलने का एक एक्सपीरियंस भी उनके पास है स्लोवाक एक चीज उनके बारे में ये भी बोलूंगा इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो माइंड में रखनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक साल इस साल जो प्रॉब्लम दिख रहा है कि फिनिशिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है क्योंकि उनका मेन स्ट्राइक जो उन्होंने खरीदा थाचुअलीजल्ट देव टू प्ले अटॉप गैप प्लेयर इन दैट पोजिशन और हेड़िग, हेड़िग

कोई अच्छा इंडियन मिडफील्डर इन मिड सीजन में बहुत टफ है इस ट्राइड फॉर समवन लाइक और द प्राइस द वेज सैलरी इट इज नॉट पॉसिबल और नॉर्थ ईस्ट के लिए इस समय बहुत टफ होगा एक प्लेयर को लाना इन द मिड सीजन बिकॉज कॉस्ट विल बी वेरी हाई की कोई भी अपने मेन इंडियन मिडफील्डर को आप छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि खरीदना विल बी वेरी टफ बिकॉज नो बड़ी वॉन्ट टू प्लान स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन इज कमिंग एंड ये इस चीज को भी दिमाग में रखना पड़ेगा अगर नॉर्थ ईस्ट खरीदेगी भी तो खरीदेगी किसे क्योंकि जो इंडियन टॉप क्वालिटी मिडफील्डर्स है वो सब खेल रहे हैं बट नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ सालों से जो चीज कर रही थी आई लीग से प्लेयर ले आके ट्राई करना दिस प्लान हैज हैज एक्चुअली वर्क 30% टाइम्स राइट बट 70% टाइम्स रॉन्ग सो वो इंडियन मिडफील्डर आई लीग से ले सकते हैं बट बहुत बहुत टफ होगा ये चलना क्योंकि दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग सम प्लेयर्स फ्रॉम एक्चुअली गोकुलम भी है एंड इट्स एक्चुअली टफ क्योंकि बहुत क्वालिटी डिफरेंस हो जाता है सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई इज नॉट ट्राइंग टू द इंडियन फूड से टोटलीस इट इज मूव क्योंकि पैसा का लग भी ज्यादा so हिट करने के बाद खरीदना भी चाहती है नॉर्थ ईस्ट कैन चार्ज अफ्टी अमाउंट ऑफ मनी और इससे क्या फायदा हो सकता है money, इस साल मुझे का टीम उतना अच्छा नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्योंकि क्वालिटी में नॉर्थ ईस्ट का टीम इस साल अच्छा नहीं था

कल हम लाएंगे और एक नया ट्रांसफर न्यूज एंड माइट बी सम बिग बिग ट्रांसफर न्यूज सो गाइस आई होप हाउ मेनी ईयर डील देखो फॉरेनर है सो मोस्ट ऑफली टू और थ्री डील क्योंकि शॉर्ट टर्म डील भी हो सकता है बट आई डोंट थिंक इट्स मोस्ट ऑफली शॉर्ट टर्म डील आई थिंक इट विल बी लॉन्ग टर्म डील और इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा ट्रांसफर मनी इज इन्वॉल्व इन दिस सो आई होप देयर विल बी क्योंकि फ्री ट्रांसफर होगा तो देर इज वेरी लेस चांस ऑफ फ्री ट्रांसफर क्योंकि वो जो क्लब के लिए खेल रहे थे ये स्को ट्वेंटी फाइव